जानते हैं देश भर के राज्यों का कैसा रहेगा मौसम का हाल। दिल्ली, यूपी, बिहार और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। कई राज्यों में शीतलहर को लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली NCR के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। दिल्ली में बढ़ेगी ठंड। दिल्ली वालों को अभी और ठंड झेलनी पड़ेगी। हालांकि दोपहर में गुनगुनी धूप से थोड़ा आराम मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। इसके अलावा कुछ जिलों में कोहरा भी छाए रहने का अनुमान है। हालांकि दोपहर के वक्त मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मौसम साफ बने रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में पाला पड़ने से ठंड भी बढ़ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य में कंपाने वाली ठंड। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवा का असर देखने को मिल रहा है। वहीं इन राज्यों में बारिश का अलर्ट है। कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। चेन्नई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। राजस्थान राज्य में अगले दो दिनों के दौरान झुंझुनू, सीकर, चूरू समेत हनुमानगढ़ और अलवर जिले में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं का असर जो कि उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिलों में रहेगा। इसी कारण आज भी जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में तापमान नीचे आ जाएगा। दक्षिणी भारत की बात करें तो बंगाल की दक्षिणी पूर्वी खाड़ी और उसे लगे पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि उसी क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इसके दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर धीरे धीरे पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। उत्तर भारत में हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों से लगातार उत्तरी पश्चिमी शुष्क और ठंडी बर्फीली हवाओं का रुख मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश तक बना हुआ है। एक सप्ताह के दौरान ठंड के रंग व अंदाज को फीका करने वाले कमजोर पश्चिमी क्षोभ भी सक्रिय नहीं हो रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी केवल हल्की बर्फबारी हो रही है। आने वाले दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही बर्फबारी की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा और अगले साल ही यानी कि 2023 में मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जा सकता है।